पहुंचे उसी समय सीता मैया भी वहां पर आ गई। आखिर इतना बुरा समाचार सुना, जिनको राजा बनना था वो बन की ओर जा रहे हैं। समाचार ते ही समय सुनी राम जी बड़ी मां के कक्ष में पहुंचे। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। ओ मेरी बगिया, ओ मेरी बगिया, कलारे तू हजारी नारे। प्रस्थान करूंगा। मैया है बन को जाना, मैया है बन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। अब हमें तो हुए बनवासी, अब अवधपुर चोल चले, अवधपुर चोल चले। मैया है बन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। मैया है बन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। अब हम हुए वनवासी, अवधपुर चोल चले, अवधपुर Thank you.
समय मुझे दर्द की बनका मैया है बढ़ते जाना का तो वचन निभाना अब हम तुम्हे वनवासी अवधिपुर छोड़ो चले अवधिपुर जानकी भी आ गई राम जी के पास नहीं गई पहले ज्यों ही सुना तो अपनी सास के पास में पहुंच गई समाचार आते ही समय सुनी सीर उठी अपलाई जाई सास पद कमल सिर बंदी बैठ सिर गाई आगे किसी के कहो लज्जा को त्यागो ये माँ आप कह रही हैं कि लज्जा को दूर करो बेटी तो मैं लज्जा को कैसे दूर कर सकती हूँ क्योंकि लज्जा ही एक नारी का गहना हुआ करता है यदि किसी नारी के पास लज्जा नहीं तो वह नारी कहलाने के योग नहीं होती हे मैया एक नारी का परम कर्तव्य होता है कि वह लज्जा का धारण करे हे माँ अभी मैं आवेदन
यही रहूं कहिए क्या क्योंकि एक पत्नी का यही धर्म होना चाहिए जो सीता जी कर रही है और कह रही है। अब तो मां कौशल्या भी धर्म संकट में पड़ गई। राम जी को बुलाया और राम जी ने खुद माता जानकी जी को समझाने का प्रयास किया। आइए देखें माता जानकी जी के चरित्र से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। और इसीलिए बाबा तुलसी ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। बेटा राम तुम्हें समझा जानकी तुम मेरे साथ में बन क्यों जा रही हो? वनवास तुम्हें तो किसी ने दिया ही नहीं, वनवास तो केवल मेरे लिए हुआ है, फिर तुम मेरे साथ में क्यों जा रही हो? तुम तो देख ही रही हो जो सुख तुम्हें इन महलों में मिल रहे वो मेरे साथ बन में नहीं मिलेंगे जानकी, इसलिए मेरी आज्ञा को मान करके तुम यहीं पर रहो, माता पिता की सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, बन में तो ना जाने कितने कष्ट मिलेंगे तुम्हें। सीते सीते मैं तो केवल यही कहूंगा हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि तुम वन की ओर मत जाओ, जी बिन देह नदी बिन वारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, इस शरीर से ये जीव आत्मा अलग हो जाने पर ये शरीर शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार एक स्त्री बिना पुरुष के शोभायमान नहीं होती। हे स्वामी अब लाज छोड़कर कह रही हूँ दीना नाथ, रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं यदि आप बहुते। और हे स्वामी आपको देखकर ही मेरे भाग्य का उदय होता है ये दीनानाथ। हो तुम्हें देखूं मेरे राघो, तुम्हें देखूं मेरे प्रीतम, भाग्य जागे
इसके अलावा तुम कुछ कह भी नहीं सकती हो, लेकिन तुम ऐसा ना करना। अगर नहीं मान रही हो तो तुम मेरे साथ में चलो। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। जब से जन्म हुआ है राम जी के प्रिय लक्ष्मण जी ने सुना तो वो भी राम जी के पास आ गए। मेरे आराध्य, आज ये लक्ष्मण क्या सुन रहा है? आप मातेश्वरी जानकी सहित 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं, क्या यह समाचार सत्य है? यदि ना आप वन की ओर जा रहे हैं तो कहें इस लक्ष्मण के लिए आदेश कौन सा है? बस लक्ष्मण, तुम्हारे लिए केवल यही आदेश है, जब तक मैं 14 वर्ष की अवध पूरी करके वापस इस अयोध्या में ना जाऊं, तब तक तुम्हें यहीं पर रहना है और इस अयोध्या में रह करके तुम्हें वही करना है जिससे हमारे माता पिता को सुख प्राप्त होता रहे। तुम देख रहे हो भरत और शत्रुघ्न दोनों ननहाल में हैं, जानकी हमारे साथ में जा रही है, इसलिए तुम्हें इस अयोध्या में ही रहना है। मैं जाता हूँ वन, मैं जाता हूँ वन, यहाँ रहना ललन, मेरी माता की मझली माता की बानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई।
जी ने इस समय मुझे दंडक बने कहने को हम तुम एक ही है है एक तत्व ये रथ कुल का अंश एक ही है मेरे अर्थ आज ये आपके द्वारा जो सीख दी जा रही है आज आपकी सीख मुझे अपनी खैरता जैसी प्रतीक हो रही है। आप कह रहे हैं कि मैं आपके बिना अयोध्या में 14 वर्षों तक अकेला ही रहूं। नहीं नहीं नाथ, दीन मोहन शिवनी गुसाई लाख अगम अपनी कटाई नरवर भील धर्म धुरीधारी निगम उनीत कहां थे अधिकारी। मैं शिशु प्रभु शने ही प्रतिपाला मंदर मेर कुलीन मरला हे अरग। ये लक्षण तो आपके चरणों में पड़ा एक वह छोटा सा बालक है जो कि संसार में किसी को भी नहीं जानता। यहां तक कि गुरु पितुमात न जानो का हो कहो स्वभाव नाथ दिया हुई है लक्षण तो गुरु माता पिता को भी नहीं जानता। यदि जानता है तो बस केवल आप ही को और आपके सिवाय संसार में मुझे मतलब भी नहीं है। ये मेरे आराध्य जब यही भाव है तो भैया ममता तोड़े जाते हो। अरे ये लक्ष्मण तो चरणों का सेवक है फिर भी छोड़े जाते हो। आज आपसे ज्यादा कुछ नहीं बस केवल यही कहूंगा मुझको क्या मतलब औरों से। मैं तो इन चरणों का सेवक हूँ आजन्म उपासक परिचारक याचक पालक इन चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है भाभी स्वामी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। हे मेरे महाप्रभु यदि आज आप मुझे वन अपने साथ में नहीं ले जाएंगे तो यह लक्ष्मण तो निश्चित ही अपने प्राणों का त्याग कर देगा लेकिन अयोध्या में आपके बिना अकेला एक क्षण मात्र जीवित नहीं रहेगा एक क्षण मात्र जीवित नहीं रहेगा। तुम ऐसा ना करना लक्ष्मण अगर नहीं मान रहे हो तो तुम भी मेरे साथ में चलो। चलो मेरे बन जाने से पहले श्री राम जी माता जानकी और भैया लक्ष्मण अपने पिताजी के पास